कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। धंधे के लिए सही वो सही। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, अगर पीछे हम जाएं तो देखा जाए तो अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के बादशाह थे, और अगर उनके बाद कोई और आया बादशाहत कायम करने के लिए तो वो निश्चित ही रूप से शाहरुख खान थे। और देखा जाए तो उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री का किंग खान यूं ही नहीं कहा जाता। पिछले 3 दशक में उन्होंने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जिसके बाद वो अमिताभ बच्चन के बाद दूसरे एक्टर कहे जा सकते हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में नायकों की छवि यानी कि हीरो की छवि को बिल्कुल ही उलट पलट के रख दिया। 70s के दशक में जो अमिताभ बच्चन ने काम किया, 90s के दशक में हीरो की नई छवि गढ़ने का काम शाहरुख खान ने किया। अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो जो काम अमिताभ बच्चन ने किया या जो काम शाहरुख खान ने किया, पूरी तरह से हीरो की छवि को जो बदलने का काम किया है, बाकी के एक्टर्स में वो चीज नहीं दिखती। हालांकि ये बात भी सच है कि 2013 में चेन्नई एक्सप्रेस के बाद उनकी सफलता की गाड़ी बेपटरी पर नजर आई। चेन्नई एक्सप्रेस के बाद उनकी कई बड़ी बजट की फिल्में टिकट खिड़की पर औंधे मुंह गिरी। हालांकि ऐसा नहीं है कि 2013 के बाद कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई। रईस जैसी इक्का दुक्का फिल्में बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर हिट हो भी जाती थी। देखा जाए तो पिछले 7-8 सालों से किंग खान की जो फिल्में फ्लॉप हुई है, उनका सब्जेक्ट किंग खान के मूड से बिल्कुल अलग नजर है। दिलवाले, फैन और डियर जिंदगी, ये ऐसी फिल्में हैं। शाहरुख खान को सबसे तगड़ा झटका साल 2018 में जीरो से लगा। कह सकते हैं कि ये भी एक एक्सपेरिमेंटल एंटरटेनर फिल्म थी। फिल्म के रिलीज होने से पहले माना जा रहा था कि ये फिल्म शाहरुख खान को एक अलग पहचान देगी, उनके सितारे चमका देगी ये फिल्म, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। आनंद अलराय के डायरेक्शन में बनी फिल्म ठीक ठाक बनी थी, मगर बदली राजनीति में उनकी नाव भंवर में फंस गई। बॉलीवुड के खिलाफ जो हेट कैंपेन आज खड़ा दिखता है, असल में वो शाहरुख खान के विरोध के साथ ही मजबूत होता है। बावजूद शाहरुख टिके हैं तो उनकी मजबूती समझ आती है। देखा जाए दोस्तों तो इस एक्टर के खिलाफ सबसे ज्यादा बायकॉट कैंपेन नजर आता है। सलमान या आमिर के खिलाफ भी इतनी कैंपेन नजर नहीं आते जितना गुस्सा शाहरुख खान को लेकर दिखता है। बावजूद शाहरुख आज की तारीख में भी बॉलीवुड के सबसे महंगे स्टार बने हुए, वो सबसे ज्यादा एक एडवर्टीजमेंट के पैसे लेते हैं जिन्हें साइन करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां कतार में खड़ी नजर आती है। वो बॉलीवुड के इकलौते एक्टर है जिनकी फिल्मों का इंतजार दीवानगी की हद तक होता दिखाई देता है। शाहरुख खान बॉलीवुड के लिए, हिंदी एंटरटेनमेंट जगत के लिए क्या चीज है, उनकी डिमांड से ही पता चलता है। यशराज फिल्म्स के साथ सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर देने वाले किंग खान की एक फिल्म पठान बनकर तैयार है। इसे अगले साल रिपब्लिक डे वीक पर रिलीज करने की तैयारी की है। पठान जो कि स्पाई थ्रिलर एक्शन फिल्म है, इस फिल्म में उनके साथ जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। ये फिल्म एक पावर पैक एक्शन फिल्म होने वाली है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सामने आए कि पठान बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। यानी एक ऐसी फिल्म कह सकते हैं आप जिसका दर्शक बहुत ही शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। इसके पीछे 2 रीजन है। एक तो शाहरुख खान बहुत लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं इस फिल्म से। सेकंड चीज, जो हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ वो बहुत ही दमदार है। हालांकि उसमें शाहरुख खान का लुक रिवील नहीं किया गया। शाहरुख खान का खूब विरोध होता रहा है देखा जाए दोस्तों तो। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि पिछले 2 सालों से शायद ही कोई पखवाड़ा निकला हो जब पठान या शाहरुख खान से तमाम जुड़े हैशटैग ट्रेंड करते ना दिखे हो। आर्यन ड्रग केस के दौरान भी उनके पक्ष में एक जबरदस्त लहर दिखी थी। पब्लिक सपोर्ट तो मिला ही, लगभग राजनीतिक दल भी खुलकर उनके साथ खड़े हुए। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिवाली में शाहरुख खान अपनी फिल्म का बहुत जोरदार धमाका करने वाले। फिल्म का प्रमोशन दिवाली से शुरू हो जाएगा। चर्चा है कि दिवाली से एक दिन पहले फिल्म का टीजर रिलीज होगा। खबरें हैं कि टीजर बहुत भयानक है। सेंसर बोर्ड के एक मेंबर है जिन्होंने फिल्म का टीजर देख लिया और कहा है कि पठान बाहुबली और KGF का भी बाप है। पठान भारत में एक्शन मूवीज के एक नए दौर का शुभारंभ करने वाली है। मजेदार ये कि इसी दिन सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान का भी टीजर रिलीज होने वाला है। लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड बता रहे कि शाहरुख खान की पठान सलमान खान की फिल्म पर भारी पड़ने वाली है। वेल, इस फिल्म के टीजर के लिए दर्शकों की बेसब्री देखने लायक है। इससे पता चलता है कि शाहरुख खान चुके नहीं। 5-6 साल पहले तक सिनेमाघर की दिवाली अक्सर शाहरुख खान की फिल्मों से ही रोशन हुआ करती थी। इस दिवाली पर फिल्म नहीं तो टीजर ही सही। ये शाहरुख खान के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी ट्वीट है या कह सकते हैं एक तोहफा है। अब ये तोहफा कितना शानदार होने वाला है ये तो दिवाली के दिन ही पता चलेगा। आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि आप इस फिल्म के लिए पठान की और उसके टीजर के लिए कितने एक्साइटेड है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियोज।